अक्षय कुमार की फिल्मों का सिनेमा प्रेमियों को हमेशा इंतजार रहता है और अक्षय भी उन्हें निराश नहीं करते और फटाफट नई फिल्में बनाते हैं। जितने टाइम में कोई और सुपरस्टार एक फिल्म कर पाता है उतने ही टाइम पीरियड में इंटरनेशनल खिलाड़ी अक्षय कुमार 3 से 4 फिल्में निपटा देते हैं। लेकिन पिछले साल से छाए कोरोना के कारण उनकी फिल्मों में भी ब्रेक सा लग गया था, पर अब उनके चाहने वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि उनकी अपकमिंग मूवी बेल बॉटम के रिलीज डेट की अनाउंस हो गई है। बेल बॉटम में अक्षय कुमार अब 80 के दशक का एक्शन बड़े पर्दे पर आजमाने जा रहे हैं। बेल बॉटम 27 जुलाई को रिलीज होगी और ये फिल्म मॉनसून में मनोरंजन की बारिश करने बड़े पर्दे पर उतरेगी। असीम अरोड़ा और परवेश शेख की लिखी इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ एक नहीं 3-3 हीरोइने नजर आएंगी, जिनमें वाणी कपूर, लारा दत्ता और हुमा कुरैशी हैं। अक्षय की फिल्म बेल बॉटम की रिलीज को लेकर पिछले कई महीनों से अटकलों का दौर जारी था। इससे पहले फिल्म का अप्रैल में रिलीज होना लगभग तय था, लेकिन ये फिल्म लॉकडाउन की भेंट चढ़ गई। फिल्म इंडस्ट्री में लोगों की नजरें इन दिनों अक्षय कुमार की फिल्मों पर ही टिकी है क्योंकि उनकी 5 फिल्में पूरी होकर रिलीज की कतार में है और अब इन फिल्मों के पर्दे पर उतरने की शुरुआत बेल बॉटम से होने जा रही है। अक्षय की जो फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार है उनका नाम सूर्यवंशी, पृथ्वीराज, बेल बॉटम, बच्चन पांडे और अतरंगी रे है। जबकि जिन फिल्मों पर इन दिनों अक्षय काम कर रहे हैं वो 2 फिल्में राम सेतु और रक्षाबंधन है। कुल मिलाकर अक्षय कुमार अपने फैंस के लिए बहुत कुछ ला रहे हैं और इस फिल्म को रंजीत एम तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। निर्माताओं के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बंद हुए सिनेमा घरों के जल्द ही खुलने के आसार बनते दिख रहे हैं। बेल बॉटम को लेकर इस बीच ये बात भी सामने आई थी कि इस फिल्म को नुकसान से बचाने के लिए अक्षय कुमार ने अपनी फीस में 30 करोड़ रुपए की कमी कर दी, लेकिन फिर निर्माता वासु भगनानी ने सोशल मीडिया पर इस खबर को गलत बताया और बाद में अक्षय कुमार ने भी कहा कि ये खबर गलत है। तो दोस्तों, अक्षय कुमार के बेल बॉटम को लेकर आपको क्या लगता है, ये हिट साबित होगी या फिर कुछ समय पहले ही सलमान के राधे की तरह ही बेल बॉटम को भी आलोचना का शिकार होना पड़ सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चकाचक एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहें। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें।